मध्य प्रदेश में तीव्र गति से विकास हो, इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक फैसला किया और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए पुनर्गठन आयोग बना दिया। इसके तहत प्रदेश के संभाग, उपसंभाग, जिले, तहसील, विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आमजन और जनप्रतिनिधि अपने सुझाव, आवेदन और अभ्यावेदन के रूप में पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पर विचार के बाद अनुशंसाएं पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य शासन को भेजी जाएंगी। ग्रामीण और नगरी क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी आयोग को दिए जा सकते हैं। आयोग नवंबर माह में विभिन्न संभागों में अपने दौरे प्रारंभ करेगा। आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 माह का समय तय रहेगा। लोग सरलता से अपने सुझाव आयोग को पहुँचा सकते हैं। राजस्व विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और जन अपेक्षाओं के आधार पर तथा प्रशासन में सुलभता व जनमुखी प्रशासन के लिए परिसीमन की जरूरत है। इसको लेकर पुनर्गठन आयोग में सभी अपनी बात रख सकते हैं और आयोग इन सिफारिशों को सरकार तक पहुंचाएगा। ये आयोग नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए अनुशंसाएं करेगा।